अच्छा सर, हम अपने रिस्क की कैटेगरी के अंदर एक और आइजा सॉर्ट ऑफ कवर कर लेते हैं जो कि आइजा 540 है और जिसका नाम है ऑडिटिंग एस्टिमेट्स। यानी ये आइजा मुझे ये कहता है कि भाई आप मेरी हेल्प तब लेना जब आप किसी एस्टिमेट को ऑडिट करने जाएं। अब सर व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय एस्टिमेट सर? अंदाज़ा अब जो हमारी नॉर्मल जो हमने सुनी गई एग्जांपल्स हैं, जो आप रोज़मर्रा की एग्जांपल्स देख भी रहे होते हैं अपनी फर्म में भी, उसमें कौन कौन सी होती हैं सर? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग हो गया, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज़ हो गया, जब आप यू कैन से के इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। तो जब आप इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे होते हैं तो आप जाहिर सी बात है कैश फ्लोज बनाते हैं, और वो कैश फ्लो किस बेस पे बनाते हैं? एक्चुअल बेस पे या एस्टिमेट बेस पे? एस्टिमेट बेस पे बनाते हैं, सही जी। इसमें भी अंदाज़ा इन्वॉल्व है। अच्छा भाई, प्रोविजन फॉर ECL हो गया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल। यानी हम एक मॉडल बनाते हैं जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं उसका प्रोविजन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ECL मॉडल, जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हैं कि भाई डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी के बाद उसमें से लॉस कितना हो सकता है। एक तो है ना डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, अच्छा फिर उस प्रोबेबिलिटी में भी आज तक लॉस कितना हुआ है, तो वो होता है LGD, लॉस गिवन डिफॉल्ट। और फिर हम देखते हैं उसकी कोई कोलेट्रल वगैरह तो नहीं है, तो उसको माइनस करके फिर हम कहते हैं भाई ये प्रोविजन होना चाहिए। तो अगेन हाईली टेक्निकल चीज़ है और हाई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज हैं। तो कहता है भाई मेरी हेल्प लेना। इसके बाद फिर वो कहता है भाई वारंटी प्रोविजन, आप गुड्स बेचते हैं, आपने कहा कि भाई मैं जो गुड्स बेचता हूँ उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि भाई इतने दिन की वारंटी है, तो आप आए तो मैं उसको रिपेयर करके दे दूंगा, वैसे वापस नहीं करूंगा, रिपेयर करके दे दूंगा, वारंटी प्रोविजन हो गया। दूसरा, आप चाहें तो इतने दिनों में आप चीज़ें वापस करके अपने पैसे लेके जा सकते हैं, रिफंड लायबिलिटी। तो आपको IFRS 15 ये कहता है कि आप अपने हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखते हुए ज़रा ये मेक श्योर कर लें कि जब भी आप गुड्स बेचें और आपने रिफंड लायबिलिटी का क्लॉज डाला हुआ है, रिफंड का क्लॉज डाला हुआ है, तो आप एस्टिमेट के बेस पे उस हद तक की सेल बुक नहीं करें और उसी हद तक की COGS भी नहीं बुक करें, राइट ऑफ रिटर्न एसेट क्रिएट हो जाएगा। इन सब के अंदर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं। इन सब के अंदर क्या इन्वॉल्व है मेरे बच्चों? एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको ऑडिट कैसे किया जाए? तो वो कहता है मुझसे गाइडेंस लेना, सिर्फ गाइडेंस, बाकी स्पेसिफिक प्रोसीजर तो आप वो ऑन फील्ड होके जाके परफॉर्म करेंगे, बट यहाँ से सिर्फ आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक गाइडेंस मिलती है कि हाउ टू प्रोसीड, ऑडिट करना कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिस्क की बात करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि जब यहाँ पर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, जब यहाँ पर मेरे बच्चों एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, तो आप कहेंगे ये मेरा सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क होता है। इनहेरेंट रिस्क होता है, इनहेरेंट रिस्क का मतलब है एम्बेडेड इनबिल्ड रिस्क, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करता ही है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, यहाँ पे तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से ये होगा, मेरे हिसाब से ये होगा। तो आपने बीइंग एन ऑडिटर उसकी रीजनेबलनेस को असेस करना है, तभी तो आपने ऑडिट करना है। पर मैं तो यहाँ पे रिस्क की बात कर रहा हूँ कि इनहेरेंट रिस्क है यहाँ पे सबसे पहले, कि भाई सीधी सी बात है इनहेरेंट रिस्क इनबिल्ड है, यहाँ पे तो मसला हो गई होगा, इनहेरेंट इनबिल्ड रिस्क, बात क्लियर है? अच्छा भाई, दूसरी चीज़ इसके अंदर हो सकता है कि मैनेजमेंट ने जो सोर्स डेटा है, सही है जी, जिसके बेस पे वर्किंग हुई है, वो ही गलत हो, सही जी। सोर्स डेटा दैट हैज बीन यूज बाय द मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सोर्स डेटा का गलत यूज किया है तो उसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी वो भी गलत होगी, ये भी बात हमें समझ आनी चाहिए। इसके बाद हमने कहा द पर्संस प्रिपेयरिंग द बजट्स एस्टिमेट्स आर नॉट सफिशेंटली क्वालिफाइड। जो बंदा वो कैलकुलेशन बना रहा है वो बीकॉम पास है, मैट्रिक पास है, उसको काहे की तमीज़ है कि भाई कौन सी चीज़ कौन सी ट्रेंड पे जा रही है। डेप्रिसिएशन को कैश एक्सपेंस लिया हुआ है, पैसे दी सी बात है, वो तो नॉन कैश है ना। अच्छा, डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है वो उसको नहीं पता, क्योंकि उसकी वो नॉलेज और वो स्किल ही नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो सफिशेंटली क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की जिसके लिए वो ये काम कर रहा है। अब लेट से मैंने कहा कि भाई आप मुझे वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन करके दें, तो उसके अंदर उसके कितने यूनिट्स बिकेंगे सही, उसकी सेल कैसे होती है, उसके कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। जब तक उसको प्रॉपर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक वो ये वैल्यूएशन नहीं बना सकता, क्योंकि आपने वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन में रिलेटेड खर्चे भी लेने होते हैं ना, तो उसको पता ही नहीं है कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे, कैसे कैलकुलेशंस करनी है, तो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऐसा ही है, तो ये हमने कहा कि भाई सफिशेंटली क्वालिफाइड के अंदर ये भी बात कवर हो गई कि उसको यही नहीं पता कि भाई बनानी कैसे, क्योंकि ऐसी बात उसके बाद रेलिवेंट नॉलेज उसके लिए नहीं है। अच्छा, फिर हमने कहा लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, lack of business knowledge with the personnel preparing working। बाबू के पास business knowledge ही नहीं है तो कैसे बनाएगा। अच्छा भाई, पांचवी चीज। अच्छा, ये सारे मैं जो आपको है ना रिस्क बता रहा हूँ कि ये रिस्क है, फिर इसके रिस्पॉन्सेज भी सीख लेंगे ताकि आप कनेक्टेड रहें कि कैसे ऑडिट करना है। अच्छा भाई, फिर हमने कहा भाई चलो पर्सन क्वालिफाइड भी है, उसको बिजनेस की नॉलेज भी है, नो रिव्यू प्रोसीजर्स आर देयर, कोई रिव्यू प्रोसीजर्स नहीं है, कोई रिव्यू प्रोसीजर्स नहीं है। अच्छा, रिव्यू प्रोसीजर्स का मतलब ये है कि भाई अगर एक बंदा बना रहा है तो उसको एक ऊपर वाला बंदा रिव्यू करे, तो रिव्यू करके उसको अप्रूव करे, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर ऐसी बात है, यहाँ पर कोई भी बंदा ये चीज़ बनाएगा रेकलेसली, ऐसे ही फर्निश कर देगा। बात क्लियर है? तो सर समझ आने की बात यह है, कि अगर मैं इन तीनों को क्लब करूँ, सही है जी, तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन, यानी ये कंट्रोल्स जितने अच्छे होंगे आपकी एस्टिमेट्स पर रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बात समझिएगा भाई, कंट्रोल्स जितने अच्छे होंगे आपकी ऐसी बात है उसी एस्टिमेट्स के ऊपर रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। लॉजिकल बात है ना कि अगर वहाँ पे कंट्रोल्स प्लेस है ना तो वहाँ पे गलती के चांसेस कम है, क्योंकि हर एक बंदा इनपुट देगा नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपके पास एक फिल्टर होके आएंगी तो आपकी रिलायंस वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। अगेन इनहेरेंट रिस्क तो था, इनबिल्ट रिस्क है, बट अगेन अगर वो बहुत सारे बंदे देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, एक प्रिपेयर करेगा, दूसरा रिव्यू करेगा, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? बिकॉज बीइंग एन ऑडिटर जो आपको चीज़ रिसीव होगी उस पर रिलायंस आपकी ज़्यादा होगी। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि हम जब भी एस्टिमेट्स की बात करेंगे तो हम ये रिस्क लिख सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं उसके अंदर। लेख इसलिए सकते हैं क्योंकि भाई आप खुद देखें ना कि भाई आपको पता है कि भाई ये मसले हो सकते हैं, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं है तो कंट्रोल नहीं, तो रिस्क आपका ज़्यादा है, सीधी सी बात है। अच्छा भाई, इसके बाद दूसरा रिस्क ये है, दूसरा हम अपने पार्ट पे देख लेते हैं ना कि पर्सन ऑडिटिंग the estimates might not have relevant skill or knowledge। अच्छा भाई, अब लेट से अगर जैसे मैं ECL की बात करूँ, एक्सपेक्टेड क्रेडिट मॉडल, तो जब मैंने ECL का नाम लिया होगा, आप लोग जो सुन रहे हैं मुझे उनमें से भी 10 लोगों के तो मुंह बन गए होंगे, क्या ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑफ IFRS 9 में पढ़ेंगे अपने CA फाइनल में, सही जी। बट खैर, अगर आपने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया हुआ तो आपके लिए समझना कतई मुश्किल है। तो इसके लिए क्या हम ये कह सकते हैं, कि हम सबसे पहले जो एक्सपर्ट का आयजा है उसके अंदर ये देखते हैं ना कि सबसे पहले क्या मैं वो नॉलेज स्किल एक्वायर कर सकता हूँ किसी फर्म में बंदे से हेल्प लेके या उसी फर्म वाले बंदे को लगा के, नहीं तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि मैं किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करूँ। तो ये तो मेरा प्रोसीजर हो गया ना कि मैं एक्सपर्ट को अपॉइंट करूँ, पर क्या यहाँ पे रिस्क एग्जिस्ट करता है?
इस रिस्क को हैच करने के लिए आप या तो फर्म में दूसरा बंदा लगाएंगे जिसके पास रेलिवेंट नॉलेज स्किल होगी, जिससे आप या तो वो कॉम्पिटेंसीज एक्वायर करेंगे, सीखेंगे, ट्रेनिंग्स लेंगे, या तो आप कोई एक्सपर्ट अपॉइंट कर लेंगे। सर ये थे हमारे बेसिक रिस्क जो कि आपके एस्टीमेट्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो कि आपके एस्टीमेट्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये कहूँ कि भाई मुझे इसको ऑडिट करना है, तो सोर्स डेटा के लिए मैं कहूँगा इवेल्युएट कर लूँगा कि सोर्स डेटा यूज्ड इज एप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट। मैं कह रहा हूं कि भाई जो सोर्स डेटा मैं यूज करूंगा वो देखूंगा कि एप्रोप्रिएट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है। इसके लिए क्या होता है, हम ईवाई के अंदर IPE यानी IPE टेस्टिंग करते हैं। इसका नाम होता है इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी। हम खुद जाके वो निकालते हैं। अब लेट्स से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम एक वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन बना रहे हैं जिसके अंदर यूनिट्स लिए हुए हमने। तो भाई यूनिट्स, एग्जिस्टिंग यूनिट्स तो होंगी ना, आगे जाके कितनी सेल करूंगा उसमें ग्रोथ रेट लगेगा। तो जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं मेरे पास, मेरे बच्चों जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं कि वो बेस डेटा जिस पर लग रही हैं चीज़ें वो सही है या नहीं है, तो मैं वही रिपोर्ट जाके इदारे के सिस्टम से खुद जनरेट करूंगा और मैच करूंगा कि वही रिपोर्ट से डेटा उठ के यहाँ पे आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ तो मतलब मसला है। सोर्स डेटा जो यूज़ हुआ वो बिल्कुल सही होना चाहिए, सोर्स डेटा जो यूज़ हुआ वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छा, अब एक और रिस्क भी है तो हम इसके प्रोसीजर्स पे आते हैं। फिर एक और रिस्क ये है, सही जी, अजम्पशंस आर नॉट सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो अजम्पशंस ले रहा है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सपोर्ट ही नहीं मिलता है इसका। यानी वो कह रहा है भाई अगले साल मैं 50% की ग्रोथ मारूंगा। भाई चलो आप हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, पर उसके पीछे कोई बेसिस होंगे ना, कोई डॉक्यूमेंट्स तो होंगे कि नया कस्टमर आ गया, इतने ऑर्डर्स आ गए, वो सारी चीज़ें आपका रिस्क है ना कि भाई जो अजम्पशंस हैं आर नॉट सपोर्टेड बाय द वैलिड डॉक्यूमेंट। जो अगर वैलिड बात है तो मुझे बताओ, मान लेंगे, तभी तो हम कह रहे हैं हम ऑडिट करेंगे। पहले आपका रिस्क आपके एक जगह पे होने चाहिए कि हाँ भाई ये मसले हैं, इसको ऑडिट करना। तो अगर सोर्स डेटा है तो क्या है, मैं यहाँ पे आईपी टेस्टिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ आईपीई टेस्ट, यानी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी टेस्ट कर लेंगे आप कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए। अच्छा भाई, इसके बाद जो बंदा है जो ये काम कर रहा है वो सफिशिएंटली क्वालिफाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इवेल्युएट कर सकते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सनल हु इज प्रिपेयरिंग द बजट्स, हु इज प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट्स। हम ये देख लेंगे वेदर रिव्यू हैज बीन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन अपार्ट फ्रॉम द पर्सन हु हैज प्रिपेयर्ड द इन्फॉर्मेशन। यानी क्या ये रिव्यू प्रोसीजर अप्लाई होते हैं या नहीं होते, ये आपका जो है वो टेस्ट हो गया, वो आपका प्रोसीजर हो गया, इससे आपकी रिलायंस आ रही है। बात समझ आती है। अच्छा भाई, फिर lack of business knowledge with the personal preparing the working। अच्छा, आप इसको inquire कर सकते हैं management से in order to assess, inquiry कर सकते हैं, discussion कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि we should initiate a discussion with the person who has prepared the projection in order to assess the knowledge of the business of that person। बात समझ आ रही है, पर उसकी नॉलेज से पहले खुद पहले ले लेना। पता है क्लाइंट के पास जाके बैठ गया, मैं तो आपसे नॉलेज लेने आया हूँ, भाई खुद तो कर लो पहले। तो पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बात समझ आ रही है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो किसी नॉलेजेबल बंदे के पास जा रहे हो तो उससे पूछने का तरीका होगा कि आपने इस पर एस्टीमेट कैसे कैसे लिए हैं, तो वहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या वो बंदा नॉलेजेबल है या ऐसी हवाए फाए मारे में। ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर नो रिव्यू प्रोसीजर भी हो गया। वो कह रहा है पर्सन ऑडिटिंग द एस्टीमेट्स माई नॉट हैव रेलिवेंट स्किल और नॉलेज। ये अपने पार्ट पे आ गई कि भाई मैं कंसिडर कर लूँगा, कंसिडर अपॉइंटिंग ऑडिटर्स ओन एक्सपर्ट, कंसिडर एक्वायरिंग दोज कॉम्पिटेंसीज बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये हो गई बात। अच्छा, और अजम्पशंस जो हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रही। अब इसके लिए तरीका क्या ऑडिट करने का, अब ये मैं आपको तकियानुसी बात बताऊँगी, तो जेनरिक स्टेटमेंट हो गई ना। इसके लिए जब आप ऑडिट करते हैं मेरे बच्चों, तो आप कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। लेट्स से अगर मैं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की बात करूं, तो जैसी बात है मुझे ये देखना कि क्या मेरे पे ऑब्लीगेशन अराइज होती है नहीं होती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एग्रीमेंट्स देख लूंगा गवर्नमेंट के, एग्रीमेंट विथ गवर्नमेंट विच क्रिएट्स ऑब्लीगेशन फॉर
डिसमेंटलिंग, अगर गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, किसी बंदे के साथ भी एग्रीमेंट है, तो ऑब्लीगेशन देख लूंगा मैं भाई किस वजह से राइज हो रही है, तो क्या उस पर आ रही है नहीं आ रही है, वैसे ही रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है। चलें जी, दूसरी चीज़ मतलब हम क्या कर रहे हैं, अजम्पशंस की वैलिडेशन है, अजम्पशंस की वैलिडेशन है, अजम्पशंस की वैलिडेशन है। अच्छा, फिर जो हमने डिस्काउंट रेट लिया हुआ है, सही जी, वो मैं मार्केट से चेक कर लूँगा, वो मैं मार्केट से चेक कर लूँगा, सही है जी, मार्केट रेट, सही जी, मैं ये देख लूँगा कि भाई जो डिस्काउंट रेट लिया हुआ है हमने, इसकी ग्रोथ के लिए क्या वो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है या नहीं है, जिससे मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिकॉर्ड करूँगा ना, ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर तीसरी चीज़ मैं ये देखूंगा कि भाई अभी अगर मुझे कॉस्ट की असेसमेंट करनी है, जो फ्यूचर प्राइस है, तो उस कॉस्ट की असेसमेंट के लिए, उस कॉस्ट की असेसमेंट, ये सारे जो काम कर रहा हूँ ना मैं, अभी मैं रिलायबिलिटी ऑफ दी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, जो मेरे उसमें बनी हुई प्रोजेक्शन में, उसकी बात कर रहा हूँ कि ऊपर देखो सोर्स डेटा भी सही है, बनाने वाले भी सही है, रिव्यू भी हो रहा है, अब आप ये काम कर रहे हैं कि भाई वो सही हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, बात क्लियर है। अच्छा, खैर, डिस्काउंट रेट देखो मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को दिमाग को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, वैल्यू न्यूज़ में अलग मंजन हो सकते हैं, डिसमेंटलिंग में अलग मंजन हो सकते हैं, ECL में अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो आप अपने आप के दिमाग को कंसाइज ना करें, हाँ इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए कि ऑडिट कैसे करना है, क्लियर है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, डिसमेंटलिंग की, तो मैंने कहा भाई अरेंजमेंट विद द गवर्नमेंट विच क्रिएट्स अ ऑब्लीगेशन फॉर डिसमेंटलिंग, डिस्काउंट रेट देख लेंगे, मार्केट रेट सही लिया हुआ या नहीं लिया हुआ, सही जी। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं रीकैलकुलेट कर लेंगे, भाई रीकैलकुलेट तो बाद में करना, पहले पैरामीटर्स को वेरीफाई करो, पहले पैरामीटर्स को वेरीफाई करो, जब इत्मीनान आ जाए तो फिर रीकैलकुलेशन है ना, सबसे आखिर में प्लस माइनस, बात क्लियर है। अच्छा, खैर, डिस्काउंट रेट तक की भी बात हो गई है, ये भी हमने देख लिया, हमने एक्सपर्ट को अपॉइंट करने का भी सोच लिया, अगर हमारे पास इतनी नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज नहीं है, हम ये देख लेंगे, कोटेशन ले लेंगे मार्केट से, कोटेशन फ्रॉम द मार्केट रिगार्डिंग डिसमेंटलिंग, हम ये देखेंगे भाई मार्केट में ये पूछ लेंगे जाके, मार्केट में ये पूछ लेंगे जाके कि कितने की ये जो जगह है वो डिसमेंटल हो सकती है, तो मुझे एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि इन लोगों ने वो जो प्राइसिंग ली हुई है वो सही ली हुई है या नहीं ली हुई है। हमने कहा सर रिगार्डिंग डिसमेंटलिंग, चलें जी ये भी हो गया। चौथी चीज़ हमने कहा भाई, हमने कोटेशन भी ले ली कि भाई उसने क्या ये अमाउंट सही ली हुई नहीं, अब आप बात कर लें अकाउंटिंग की, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें कर ली है ना, अब आप बोलेंगे कि चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द वर्किंग, पर ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी आप फिर ये सारी चीज़ें कराने के बाद, सही है जी, और इसके बाद आप कहेंगे चेक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, ज़रा बात समझिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या, अब लेट से अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कम हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट और PP क्रेडिट, PNL क्रेडिट नहीं, तो आप कहेंगे कि भाई मैं आखिर में जाके ये भी चेक कर लूँ कि अकाउंटिंग सही हुई हुई है या नहीं हुई है। तो सर दिस वॉज ऑल अबाउट ऑडिटिंग एस्टिमेट, मैं बता रहा हूँ, अनगिनत हो सकता है, तो हर किसी को वेरीफाई करने का तरीका अलग है, बट इसमें की रिस्क ये हैं, उनके ऊपर प्रोसीजर्स ये हैं जो मैंने आपको इस क्लास में बताएं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा लाजमी लाजमी के। खैर, अब इसके ऊपर एक सवाल आया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें कहता ये है भाई कि यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ कैकरा पाकिस्तान लिमिटेड KPL, KPL has various production facilities across the country. Your audit team has brought the following matters to your notice, which require your guidance. आपकी गाइडेंस चाहिए, माशाल्लाह देखो बोल भी क्या है आगे। KPL is required to decommission its production facilities. Required to decommission, ये लिखा हुआ, required to decommission मतलब लाजमी obligation है, and restore the site at the end of their economic life. सही है जी, notes to the financial statements for the year ended 30 September 2020. मैं ये डिस्क्लोजर आ रहे हैं जो आप अभी देख रहे हैं, बात फोकस होकर समझिएगा। देखें 7126 ओपनिंग था, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कोई पीपीई में एडिशंस हुई हैं, तो जाहिर सी बात है आपने ये न्यू एडिशंस पे रीकैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी। अच्छा, फिर रिवर्सल्स आ रहे हैं, रिवर्सल्स भी मतलब 1.4 बिलियन के, मतलब मिलियंस में अमाउंट है ना, 1.4 बिलियन के, तो भाई
ये रिवर्सल क्यों आ रहे हैं? अच्छा, रिवर्सल आ रहे हैं तो आपको पता है कि भाई ये पीपी से नेट होना चाहिए, ना कि पीएनएल में जाना चाहिए, सही है जी। तो आए जी आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई अनवाइंडिंग डिस्काउंट, तो ये कौन सा रेट यूज किया हुआ है? तो ये तो रिस्क हो गया, पर इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी कि ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन बताएं और बताएं कि ऑडिटर अपनी टीम को क्या बताएगा। तो भाई सीधी सी बात है ना, ऑडिटर टीम को ये बताएगा ना कि इसके अंदर इस सिचुएशन को देख के, जैसे अगर तुम समझो कि तुम मैनेजर हो, सही है, तुम्हारे पास टीम आती है, तुम उसको ब्रीफिंग दे रहे हो, तुम बोलोगे यार देखो इसके अंदर इनहेरेंट रिस्क होता है, पहली बात, क्योंकि एस्टीमेट्स अपने फेवर में चेंज हो सकते हैं, बात क्लियर है। दूसरी चीज़, इसमें देख लेना एडिशन्स हुई है, तो जो पीपी के एडिशन्स हुए हैं तो क्या वाकई इन पर प्रोविजन बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, ये देख लेना, वो एग्रीमेंट से देखेंगे। फिर हमने कहा रिवर्सल्स हैं, भाई रिवर्सल्स क्यों है? क्या लाइफ कम हुई है, सही है जी, या मेरे फ्यूचर कॉस्ट कम हो गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से तो वो इंक्रीज होनी चाहिए, कम तो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी रिस्क आता है। तो ये सारी बातें आप उसको ब्रीफिंग मीटिंग में देंगे। आए देखते इसने क्या किया हुआ है। वो कह रहा है कि भाई मेजरमेंट ऑफ द डी कमिशनिंग प्रोविजन ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज इज इनहेरेंटली सब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स। सब्जेक्टिव है क्योंकि ऐसी बात है भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। एज इट इन्वॉल्व एस्टीमेट्स ऑफ द एक्सपेक्टेड डी कमिशनिंग कॉस्ट, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड द एप्लीकेशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर, जो मैंने आपको बताया। आगे, फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द प्रोविजन इट इज अपेरेंट द केपीएल हैज स्टार्टेड सम न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वो भी मैंने आपको बताई। It also needs to be investigated what led the management to reverse the provision in the current year, because normally the value of provision increases over time as the provision is unwound each year to increase its present value. यानी देखो भाई ये तो increase होना चाहिए, reverse किस बात का हो गया? अच्छा reverse एक तरीके से ये भी हो सकता है, कुछ production facilities बेच दी हो, तो आपने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं कि what you guys need to discuss, clear है? आगे, अब audit procedures, देखें यहाँ पर कह रहा है review करें agreements issued by the authorities pertaining to KPL operation of its production facilities requiring it to decommission and restoration of affected sites. Obtain and review management assumptions calculation used to measure the, पहले बोला कि उसकी working ले लो और फिर देखो उसकी assumptions कि क्या वो valid हैं या नहीं है. Confirm that the calculation is based on the assumption, बोला कि जो calculations ली हैं वो calculations और assumptions आपस में match कर रही हूँ. ऐसा नहीं हो assumption में कह रहा है कि 5% की growth लूंगा, calculation में 10% ली हुई है, तो आपस में line होनी चाहिए. आगे, रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन यूज टू सपोर्ट द मैनेजमेंट अजम्पशन, वही वाली बात के सपोर्टेड बाई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सच एज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डी कमिशनिंग एंड लाइफ ऑफ द एस्टेट ऑफ द डी कमिशनिंग, यानी उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फायदा नहीं है। कंडक्ट मीटिंग विद द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड ऑपरेशनल पर्सनल टू ऑप्टेन डिटेल अंडरस्टैंडिंग, जिसके पास नॉलेज हो, जो मैंने पीछे बातें बताई हैं। डिस्कस विद द मैनेजमेंट टू वाई देर हैज बीन अ चेंज फ्रॉम द प्रायर ईयर मेथड्स ऑफ मेकिंग एस्टिमेट्स और अजम्पशन यूज इन मेजरमेंट ऑफ द प्रोविजन। Ensure that the reduction in decommissioning provision is deducted from the cost of the related asset in the current period. बोल रहा है कि ensure कर लेना कि asset से ही knock off हुआ हो। Obtain source data, जो मैंने बात कही। इसके बाद assess the controls in place to estimate the provision. अच्छा इसमें तो देखो एक इसने simple बात की हुई है कि controls को assess कर लो। पर controls के अंदर क्या क्या assess करना है वो भी मैंने आपको बताया था, controls क्या क्या होते हैं। आगे जी, evaluate the competency and objectivity of the experts who estimated the decommissioning liability and the restoration cost by considering their professional qualification and experience. उसकी कॉम्पिटेंसी देखनी है कि उसको क्वालिफाइड कितना है, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें देखो मैंने बताया। फिर अगर ये कैसे करना, तो ये आप उससे इंक्वायरी करेंगे, उससे मिलेंगे, उसकी डिग्री देख लेंगे, सारी चीज़ें। इन्वॉल्व ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स टू असेस द रीजनेबलनेस ऑफ द एस्टीमेट, आप अपना भी ले सकते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे भाई, इसमें मैनेजमेंट लिख के देगी कि सिग्निफिकेंट अजम्पशन यूज मेकिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट्स आर रीजनेबल, एक उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवा लें। रिव्यू करें नोट्स टू डी एफएस के वो क्या अप्रोप्रिएटली IS-37 और IS-1 के हिसाब से है या नहीं है। तो सर देखें, दिस इज द क्वाइट इंटरेस्टिंग एरिया, पर मैंने आपको इसकी समरी बना के दे दी है कि भाई अब जब भी एस्टीमेट्स आएंगे तो आप ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। मिलते हैं जी अगली क्लास में, जज़ाकअल्लाह।